हेलो एवरीवन, सो वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज, अभी मैं मार्केट आई हूँ बिकॉज कल मेरी एनिवर्सरी है। मेरी नहीं, मतलब कि सावंत जी की, जीजू की, दीदी की। तो कल हमारी एनिवर्सरी है, तो हमने सोचा है कि सावंत जी को कुछ मतलब सरप्राइज दें। तो अभी टाइम हो रहा है 7:30 के लगभग। तो अभी हम आए हैं मार्केट में और अभी तो हम छोले कुलचे खा रहे हैं, तो भैया देखो। और फिर हम जाएंगे पानी पूरी खाने और फिर हम जाएंगे केक लेने। तो ये सारी बातें मतलब मेरे को पता है और आप लोगों को पता है, बट प्लस तीसरे को किसी को नहीं पता। जीजू को भी पता है, दीदी को भी पता है, उसके अलावा किसी को नहीं पता। तो आप ये देख सकते हो दीदी को, जीजू को। हम सब वेट कर रहे हैं कि कब से भैया दे और हम खाए, फिर चलते हैं, फिर हम दिखाएंगे आपको। तब तक वेट करते भैया, कितनी देर लगेगी ये देखो। तो गाइज, व्लॉग काफ़ी मस्त होने वाला है, बस प्लीज़ आप बने रहना हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और हाँ सब्सक्राइब कर लेना। सो देखते हैं, आप देख सकते हो भैया बना रहे हैं। ये हमारा सब्जी रेडी हो चुकी है। सजुर जी भैया बना रहे हैं, अभी ये देख सकते हो आप। आप चलो उस साइड, हम इधर ही खाएंगे। तो ये हमारा फाइनली बन चुका है और अब हम खाएंगे ये। और जीजू उधर चले गए, वो जीजू उधर खाएंगे। और ये मेरी दीदी है जो कि खा रही है। तो चलो गाइस, मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि जो इसका टेस्ट है वो कैसा है। मतलब बहुत ही अच्छा है, पूछ दूँ। अच्छा है ना? तो गाइस मिलते हैं हम, पहले मैं खा लेती हूँ। ओके, तो गाइस हमने छोले कुलचे खा लिए हैं, अब हम जाएंगे पानीपुरी खाने, बिकॉज पानीपुरी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मैं कुछ भी खा लूँ बट पानीपुरी तो मतलब मुझे खानी है बहुत बहुत। ये मेरी बहन देखो अभी तक खा रही है, अचार खा रही है, बिकॉज इसको ना खट्टा अचार काफ़ी मतलब फेवरेट है, गाजर का अचार। ये यार पता नहीं मेरे क्या लग गया, अभी तक ठीक नहीं हो रहा यार। ये पता नहीं, ये मेरे, मैं नेल पेंट लगा रही थी तो मेरा ये लग गया, ये अभी तक मेरा ठीक नहीं हुआ, पता नहीं क्या हो रहा है। जीजू हैं, जीजू ये भी खा रहे हैं। जीजू खा लिए क्या? है ना, तो चलते हैं अब पानी पूरी खाने। ओके गाइस, तो मैंने आपको बताया था कि अभी जस्ट हमने छोले कुलचे खाए और अब हम आ गए हैं पानी पूरी की जो रेडी बोलते हैं उसमें आ गए हैं। तो गाइस आप देख सकते हो, ये देखो भैया है जो कि सबको पानी पूरी खिला रहे हैं और मैंने खा ली, बट मेरी अभी एक प्लेट है वो भी बाकी है। और उसके बाद में मैंने आपको प्लान बता दिया आगे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे सरप्राइज देना है, कैसे नहीं करना। तो लाइक कर देना। तो ठीक है, जब तक मैं खा लेती हूँ, अभी प्लेट तैयार नहीं हो, जैसे प्लेट तैयार होती है तो वैसे मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो आप देखो भैया कैसे बना रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हो, ये भैया मेरी प्लेट रेडी कर रहे हैं पानी पूरी की। कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो भैया? जीजू कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो जीजू? फोन वाले के पास। क्यों? पान वाली दुकान पे। जीजू एक मेरे लिए यार पान, वैसा नहीं नॉर्मल पान, हम मीठा पान मतलब जिसको बोलते हैं। यार दीदी को मत खिलाओ जीजू, पान तो खा ले। हाँ पान तो खा सकती है, ठीक है जाओ जाओ जाओ। तो गाइस जीजू चले गए पान लेने के लिए। तो देखो अभी होने वाली है रेडी। देखो ये देखो भैया रेडी कर रहे हैं, अभी हो गया हमारा रेडी। तो आप ये देख सकते हो, खाना है किसी को तो आ जाओ। चलो गाइस मैं खाती हूँ, है ना, बताती हूँ टेस्ट करके कैसी लगी। गाइस चलो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ, ठीक है कैसी लगी। बाकी मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है बहुत बार, मतलब बहुत अच्छी पानी पूरी बनाते हैं भैया।
अच्छी है बहुत ज़्यादा। चलो मिलते हैं आगे, अब मिलते हैं हम केक की दुकान पे, ठीक है? जब तो मैं खा लेती हूँ फिर आगे मिलते हैं। जब तक के लिए बने रहना चैनल पर। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं शॉप स्टोर पे। आप देख सकते हो ये केक की जो स्टोर है उस पे आ चुके हैं हम। तो लेते हैं अभी, भैया दूसरा केक लाने गए हैं, देखते हैं जो भी केक पसंद आएगा हम आपको दिखाएंगे। और अभी सावन जी को कुछ भी नहीं पता, मैंने फिर से कर रही हूँ, और देखते हैं उनको उनका सरप्राइज कैसा लगता है। एक तो मुझे ना ये पेप्सी वगैरह बिल्कुल भी पसंद। भैया अच्छा लगा केक, सच में बढ़िया है, तो इनको पैक कर दो भैया। आप तो आप कमेंट में जरूर बताना कि भैया ने केक कैसा बनाया। और ये भैया ना बोल रहे थे झूठे हैं, ये भैया इन्होंने 10 मिनट का नाम लिया था बट 20 मिनट लग गए। बोला हार्ट शेप लगाने के चक्कर में। हाँ वो हार्ट लगाने के चक्कर में, और वैसे हार्ट को ये बोल रहे थे हार्ट लगा दो, हार्ट लगा दो। कितने हो गए गाइस? मैंने ये केक ले लिया है और मैं अब जाऊंगी चुपके चुपके से, बिकॉज सावन जी घर पे ही हैं और वो अभी सो रहे हैं। अभी इनको पता ना चल जाए कि मैं केक लेके आई हूँ, तो मैं कैसे ना कैसे केक को छुपाने की कोशिश करूँगी। चलते हैं हम घर के अंदर, घर आने वाला ही है, ये घर आ चुका है गाइस। धीरे धीरे छुपाऊंगी केक को, पता नहीं चलना चाहिए। चुप रहना है तो नहीं रहा, मैं आपको दिखाती हूँ उधर। मैं एक बार केक को बाहर ही रखती हूँ। गाइस ये मैंने केक रख दिया, मैं एक बार अंदर जाके देखती हूँ कोई है तो नहीं। नहीं वो सो रहे हैं। चलो मैं केक को अंदर ले आती हूँ, और सो रहे हैं। आज सावन जी की तबीयत काफी खराब है, क्या हो सावन जी बताओ मेरे को क्या? और मेरे बाबू आंखें भी बड़ी लाल हो रही है, क्या हुआ आपको दिखाओ? ओ शूट, हाथ लगा बहुत तो ठंडा हाथ लगा रही है, पागल गर्म है यार। यार ऐसे कैसे बुखार हो गई तो आपके? बुखार तो ऐसी होती है। हैप्पी बर्थडे नमस्ते, आपको तो याद नहीं था बट मुझे तो याद था। उठ जा केक नहीं काटना। इनको तो याद ही नहीं था कि हमारी एनिवर्सरी भी है।
ये तो सोचते भी नहीं है बिल्कुल भी, मैं कितना कितना सोचती हूँ। अभी आपको टाइम दिखाती हूँ, आपको फोन देना। वो रहा वो रहा वो रहा अभी गाइस आप ये देख सकते हो, अभी 12 बज रहे हैं। मैं आपको जैसे गूगल वाला टाइम भी दिखा सकती हूँ अगर इतने बिलीव नहीं हो तो। ये देख सकते हो, ये देखो हमारे जीजू भी जग गए। देखो मतलब इनमें इतना है बट इनमें कुछ ही नहीं है, ये तो मतलब जीरो है गाइस, इनका तो कुछ हो ही नहीं है, इनको तो मनाना ही नहीं है। कल फिर यस काट दे बापा गिर गिर के ताकत को ना दिखाने चले गई। तो गाइस अभी हम चारों की एनिवर्सरी है तो हम चारों काटेंगे, तो जीजू पहले आप काटो लो, पहले ये बड़े हैं तो फिर ये काटेंगे। सब तू ले जाना काटो। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी जीजू दीदी सावन चीजो दी सबको। वाह तो फाइनली हमारा केक कट हो चुका है, तो मैं खिलाऊंगी दीदी को। तो बताना हमारी छोटी सी जो एनिवर्सरी थी वो आपको कैसी लगी, नाइट वाला सरप्राइज। और वैसे मॉर्निंग में कुछ ही नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ये जीजू के लिए और सावन जी के लिए कुछ बड़ा होगा। तो ये भाभी का देवर का प्यार, भी नाइट का टाइम है वरना तो इनका मुंह पूरा हो जाता है मेरे खराब, बट अभी नाइट का टाइम है तो अभी मुंह खराब नहीं कर सकते बिकॉज ये बुखार भी है इनके। तो सावन जी आप कुछ मतलब बताएंगे हमारे दोस्तों को कि आपको कैसा क्या लगा हमारा जो सरप्राइज था, आपको मतलब थोड़ा सा भी आइडिया था इस चीज का? तो आप बताओ। तबीयत खराब है मेरी, इस चक्कर में कुछ भी आइडिया नहीं था। नहीं केक बढ़िया है। अरे वाह बुखार लगा देना। तो क्या आपको कैसा फील हो रहा है अभी? बढ़िया एकदम शानदार। कि आपकी वाइफ ने आपके लिए इतना कुछ किया, मेरा नहीं हम तीनों का सपोर्ट है इसके अंदर। एकदम बढ़िया अति उत्तम ना। तो हमने सोचा था कि भाई हमारा छोटे सा बच्चा बीमार है तो मैंने कहा चलो उसके लिए कुछ करके लेके चलते हैं। बट बाकी आपको तो याद नहीं था, मुझे इतना तो बिलीव है। याद था मगर बट एक बात है, लेकिन आप लोगों ने हमारे लिए तो कुछ नहीं किया औरतों के लिए। ये देखो जीजू बोलते कहीं करा तो कहीं करा तो खालियो रेखा दीदी बोल दी कि खालियो कुछ ही मत करो खाओ तो वाटिका ल चलो गाइस।